पहले जब पता चला कि वो आ रही हैं तो मैं बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरी बैंड बजा देंगी, और हर हर मतलब वो आएंगी तो कुछ ना कुछ ज़रूर एक बहुत ही बड़ा नाटक और सीन क्रिएट होगा. तो मैं बहुत हदसी हुई थी, और मैंने विभू को कहा था कि उनको आते ही ना मेरे रगों में खून तेज़ दौड़ने लगता है, मुझे घबराहट होती है, मेरे जी मिचलाता है, मुझे चक्कर आने लगते हैं, तो वो ना आए तो ही ठीक है. लेकिन फाइनली ये हमारी जो सासू माँ है वो आ गई. मैम, आपकी एंट्री तो एकदम ग्रैंड हुई है, मतलब हेलेन जी के म्यूजिक के साथ आपकी एंट्री हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि कभी बचपन से हेलेन जी के डांसेस के बड़े फ़ैन होते थे. अचानक लाइफ में एक ऐसा रोल मिलेगा कि एंट्री पर हेलेन जी का म्यूज़िक बजेगा, मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी Actually, बात डॉन है. का म्यूजिक बज रहा था ना? हाँ, तो मतलब डॉन का बज रहा था, लेकिन हेलेन जी ने इस पर किया है डांस. तो मैं खुद अपने इस रूप रंग से थोड़ी सी कहते हैं ना वोचक्का हूँ, क्योंकि शायद अभी तक ऐसे रूप में मेरी एंट्री आज तक कभी नहीं हुई, और वो भी इतनी महान एक्ट्रेस जिनकी सास बन के आई हूँ. सास बहू का रिलेशन तो लोगों को हमेशा ही लगता है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा कुछ चुलबुलापन भी है, हंसी मजाक भी है. अंडरकरंट सास बहू की वो तो है ही, जो हमेशा ना होते हुए भी दिखती है, पर बड़ी मज़ेदार सी है. हाँ, तक मुझे हाँ. लगता है, मतलब बेसिकली देखिए, आपको तो हमारे शो में पता है कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से ना लगाया जाए, और इसमें प्यार है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वो जो उनकी जो केमिस्ट्री है वो है ही ऐसी कि एक एक जो है दूसरे को एक ऐसी बात बोल देती है कि वो ततैये जैसे उसको लग जाती है. तो ये उनके बीच में एक ऐसा टॉम एंड जेरी वाला रिलेशनशिप है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दूसरे का ख्याल नहीं रखती हैं या उनको प्यार नहीं है. लेकिन देखिए, जब तक कुछ स्पाइसी ना हो, जब कुछ तीखा और खट्टा मीठा ना हो, तो फिर ज़िंदगी में मज़ा कैसे आएगा? आपको एक बात पता चल चुकी है कि आपके बेटे विभूति मतलब प्रेग्नेंट हो गए हैं, क्या ये न्यूज़ सुन के क्या रिएक्शन था? अभी क्या रिएक्शन होगा, एक माँ का है तो ताज्जुब की बात, लेकिन कहानी में कुछ इस तरह लिया जा रहा है कि माँ भी ऐसे हो जाती है कि कोई बात नहीं, अच्छा चलो प्रेग्नेंट है, और बाकायदा उस पर आगे क्या कहानी में होने वाला ये दर्शक देखेंगे तो हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे, क्योंकि भाभी जी घर पर है, मतलब ऐसा ही शो है. मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिमा जी के आने से बिल्कुल चार चांद इसमें लगेगा. और देखिए क्या है, हम लोगों को तो फिर थोड़ा देख देख के उनको लगता है ये तो रोज़ इनको देखते हैं, जब नया किरदार आता है, नया कैरेक्टर आता है. एंड प्रतिमा जी सो टैलेंटेड, आई एम श्योर कि बहुत इसमें नए फ्लेवर्स आएंगे, नई केमिस्ट्री आएगी. और एक मुझे जलन भी हो रही है कि ये देखो मेरा हस्बैंड कैसे गोदी में बिल्कुल लल्ले जैसा उसकी गोदी में झूल रहा है, इस बात पे मुझे बहुत कुड़न हो रही है, और वो तीखे कुछ तीखे तीर भी एक दूसरे को दिए जा रहे हैं. तो मेरे ख्याल से बहुत मज़ा आएगा, एक नया तड़का है शो में. और प्रतिमा जी तो देखिए आते ही सीन में चार चांद लगा. ऐसा कुछ नहीं है, थैंक यू सौम्या, तुम इतना मान दे रही हो मुझे. पर देखिए कि ये एक शो ऐसा है कि चार साल से जो शो चल रहा हो और जिसका एक एक किरदार अपनी छाप छोड़े, मतलब इतना नेचुरल कॉमेडी होना बहुत बड़ी बात है. और मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने कॉमेडी बहुत कम की है, तो आज पहली बार मैं आ रही थी तो मुझे बहुत, मतलब हर एक्टर को पहले दिन मेरे को तो बहुत लग रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था यार ये लोग इतने मजे हुए हैं शो में, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, मैं जाऊंगी मैं कैसे, मतलब मुझे कैसे होगा. लेकिन इन लोगों ने बड़े अच्छे से मेरा साथ दिया, और केमिस्ट्री वाइज भी अभी तो एक सीन ही शूट किया है, दोनों ने बहुत अच्छा मेरा साथ दिया. बाकी शशांक सर जो हैं, राइटर जो हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल मेरे रहे हैं. और नहीं, मेरे ख्याल से दर्शकों को तो ये है कि आप ज़रूर देखिए, बहुत मज़ा आएगा.